हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 9.25 का पार्ट वन, एंड अब इसके बाद इसके तीन पार्ट्स और हैं जो कि हम लोग अपने आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसका पार्ट सेकेंड। सो आई थिंक जो मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी अपलोड करी थी पार्ट वन की, वो मे भी किसी को शायद समझ में नहीं आई थी। तो बस मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी मैं स्टेप्स और जो भी प्रोसीजर मैं किसी भी क्वेश्चन में फॉलो कर रही हूँ, तो वो सारे जो प्रोसीजर है और जो पैटर्न है वो सेम रहेगा इसके चारों पार्ट्स के लिए। तो अगर एक पार्ट भी आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आने वाले जो भी तीन बचे हुए इसके पार्ट्स हैं उसमें वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है x1 एंड x2 का, एंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रेक्टेंगुलर वेरिएट्स ऑन 0 एंड 1। इसका मतलब ये हो जाता है कि x1 जो है वो आपका रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है 0 एंड 1 रेंज में। तो 0 एंड 1 रेंज में अगर है तो इसका मतलब है कि जो रेंज आपकी 0 है और जो आपकी 1 है, ये आपकी हो जाती है a और ये हो जाता है b। अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लर्न हो तो आप लोगों ने देखा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर उसकी रेंज a और b है तो इसका जो पीडीएफ होता है वो आपको याद होगा कि 1/b-a होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 1/b-a करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1, एंड x1 की जो रेंज है आपकी वो x1 की रेंज हो जाएगी 0 से 1। तो देखिए, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन x1 का। अब इसी तरह से अगर हम लोग जो पीडीएफ है x2 का, तो सेम x2 का भी पीडीएफ हो जाएगा बिकॉज दोनों ही आपके रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं 0 एंड 1। सो अब यहां से आप लोग देखिए कि ये हमें पता चल गया है। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसको लेट करना है कोई भी एक वेरिएबल और हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले लेट करते हैं u इज इक्वल टू x1 इंटू x2, दैट मीन्स u की वैल्यू x1 एंड x2 लेट कर ली। अब हमें ये करना है कि मान लेते हैं कि x2 जो है वेरिएबल उसको हम लोग v मान लेते हैं, तो v इज इक्वल टू x2। तो मेन हमें काम ये करना है कि हमें x2 एंड x1 को u एंड v के फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए, आपको यहां से पता चल चुका है x2 की वैल्यू v है। अगर हम लोग यहां पे v सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x1 की वैल्यू भी u एंड v के फॉर्म में आ जाएगी। तो दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल जाता है u/v, ये हो गया आपका x1, एंड x2 इज इक्वल टू v हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको आगे आके बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा। तो देखिए, ये हो जाता है आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप ये है आपका कि अगर हम लोग निकाल लें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u एंड v। तो देखिए, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u एंड v निकालना है तो फंक्शन ऑफ u एंड v हमने लिखा, इसका फॉर्मूला होता है जैकोबियन इनटू ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड x2। अब ये आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए, ये हमने इसलिए लिया है बिकॉज अगर हमें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u एंड v पता चल जाए तो हम मार्जिनल ऑफ u निकाल सकते हैं v की लिमिट लगा के, और हमें मार्जिनल ऑफ u का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u ही निकालना है, उसी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग जैकोबियन को फाइंड कर लेंगे। तो जैकोबियन जो है मॉड ऑफ जैकोबियन, तो मॉड ऑफ जैकोबियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल x1 x2 by del u and v। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो इसमें देखिए, करते ये हैं कि न्यूमरेटर में यहाँ पे x1 है वेरिएबल, तो del x1 by del u, x1 को पहले u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन x1 को v के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए, del x1 by u, del x1 by v, सिमिलरली x2 को भी u के रिस्पेक्ट में करते हैं, देन x2 को v के रिस्पेक्ट में करते हैं, del x2 by u, डेल x2 बाय डेल v, और ये है आपका मॉड। अब देखिए, यहां से अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके यहां पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए, जब x1 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v, देन इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा -u/v². इसको जब हम लोग u के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा 0, देन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो 1 को जब v से करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे आएगा 1/v, इसको जब करेंगे ये हो जाएगा -0। तो फाइनल इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1/v। तो इस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में। तो इसको जब हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा GuV इज इक्वल टू, जैकोबियन की वैल्यू है 1/v। अब देखिए, यहां से आप लोगों को वैल्यू चाहिए होगी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड x2। अब देखिए, हम लोगों को ये पता होता है कि अगर x1 एंड x2 हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं
तो मैं यहाँ पे आपको साइड में करके बता रही हूँ, अगर x1 और x2 दोनों ही आपके रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो f ऑफ x1 इंटू x2 जो है वो इक्वल टू होता है f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2, मतलब कि सेपरेट इनके जो पीडीएफ होते हैं x1 और x2 के, उनके मल्टीपल के बराबर होता है इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है व्हेन x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। अगर x1 और x2 आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स नहीं है तो हम इस तरह से इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पे अगर हमें x1 और x2 निकालना है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड x2, तो हम क्या कर सकते हैं, हम x1 और x2 का जो पीडीएफ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है इनके पीडीएफ की वैल्यू 1 एंड 1 है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए यहां पे हमें पता चल गया है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u एंड v जो है वो 1 अपॉन v है। ओके अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, मार्जिनल ऑफ u, दैट मीन्स जी यू, बिकॉज हमें u का ही डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, u की वैल्यू है x1 into x2, तो हमें रेंज चाहिए होगी v की। तो अब देखिए हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, तो ये स्टेप में हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, हम लोग रेंज निकालने वाले हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन टू है। तो देखिए अब रेंज निकालनी है तो सबसे पहले हमें पता है कि x1 इज इक्वल टू क्या है, u अपॉन v है, एंड x2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, v है। आप यहाँ पे इसको पार्टीशन यहाँ पे कर लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं रेंज। अब देखिए ये चीज हम लोग किस तरह से निकालेंगे, आप लोगों को पता है x1 की रेंज क्या है, तो x1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड x2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहां से देखिए x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पे हम लोग x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। u अपॉन v लाइज बिटवीन 0 एंड 1, देन v लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अब यहां से देखिए ये वैल्यू जो है ये जीरो की से भी इक्वालिटी में आ रही है और वन के भी आ रही है, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है u अपॉन v इज इक्वल टू जीरो। अगर यहां पे हम लोग देखें कंपेयर करें तो u अपॉन v इज लेस देन इक्वल टू वन, आप लोग ऐसे मान के चल सकते हैं। देखिए हम लोग यहां पे इक्वालिटी भी कंसीडर करते हैं और यहां पे हम लोग लेस देन का साइन दोनों ही कंसीडर करके चलते हैं, बिकॉज देखिए ग्राफ है, तो जब ग्राफ है हमें पता करना होता है कौन सा एरिया जो है वो हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, तो उसके लिए हम लोग लेस देन का साइन देखते हैं। अदरवाइज हम लोग ये मान के चलते हैं ये इसके वैल्यू इक्वल है, ताकि हमें वैल्यूज को प्लॉट करने में आसानी हो जाए मैप पे। अब देखिए यहां से हम लोग लेके चल सकते हैं v इज इक्वल टू, आप जीरो भी मान सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं v इज ग्रेटर देन जीरो, देखिए इक्वालिटी तो लगी ही लगी है यहां पे। देन यहां पे देखिए सेकंड वाली हम ले सकते हैं, v चाहे तो आप इज इक्वल टू वन लिख लो चाहे आप लेस देन वन लिख लो यहां से, बट ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं तो इसलिए हमने यहां पे ले लिया है जीरो एंड वन। अब अगर आप लोग यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा u इज लेस देन इक्वल टू जीरो, या फिर आप ले सकते हो u इज इक्वल टू जीरो, और यहां से देखोगे ये हो जाएगा u इज लेस देन इक्वल टू v, या फिर यहां से ले सकते हो u इज इक्वल टू v। आई थिंक जो जिन्होंने भी कमेंट किया था मेरी फर्स्ट वीडियो में उनको यही चीज क्लियर नहीं हो रही होगी, उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला था, बस उन्होंने कहा था कि मैम प्लीज क्लियरली एक्सप्लेन, सो आई थिंक यहीं पे कंफ्यूजन हुआ होगा उनको इक्वालिटीज और लेस देन इन सब के साइन में। तो देखिए यहां पे ये कुछ इस तरह से लेते हैं। अब देखिए हमें कुछ कुछ वैल्यूज पता चल चुकी हैं यू एंड वी की, तो इनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ हमारा यू एंड वी के फॉर्म में होगा, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं यू एंड वी एक्सिस को क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे क्रिएट कर दे रही हूं, तो देखिए ये हो गया हमारा यू एक्सिस एंड ये हो गया हमारा वी एक्सिस। तो सबसे पहला काम देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहां से दिख रहा है कि u इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है v एक्सिस, इसका मतलब ये जो एक्सिस है आपकी यही होगी आपकी u इज इक्वल टू जीरो। अब चाहे तो आप u लेस देन जीरो अगर देखोगे तो इसका मतलब है कि इस एक्सिस से कम पोर्शन, इधर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, मतलब जीरो से कम वैल्यूज, मतलब कि इधर का पोर्शन। बट अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए सेकंड वाली अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ये वाली, तो u इज इक्वल टू v का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, चाहे तो आप लोग वैल्यूज लेके प्लॉट करके यहां पे देख सकते हो। v की वैल्यू आप लोग मान लो ये है आपका 0 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अगर आप लोग देखो u की वैल्यू 1 रखोगे तो v की वैल्यू 1 आएगी, तो एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा। अगर आप लोग u इक्वल टू 2 रखोगे v इक्वल टू 2, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाएगी, तो ये लाइन हमारी प्लॉट हो चुकी। अब v इज इक्वल टू जीरो की बात करें, दैट मीन्स इस वाली लाइन को हम लोग कहते हैं v इज इक्वल टू जीरो। v इज इक्वल टू वन की बात हो रही है, दैट मीन्स v पे हम लोग वन को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो वन को प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा आप लोग को वीडियो में कम दिखेगा, तो मैं काम करती हूँ मैं इन पॉइंट्स को बढ़ा दिया, तो फिर आप लोगों को मैं ऐसे ही यहाँ पे बता दे रही हूँ। अगर मैंने वन यहाँ पे लिया तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या हो गई है, ये हो गई है v इज इक्वल टू वन।
ये v इज इक्वल टू 1 हो गई है। अब देखिए हमें पता करना है कि कौन सा एरिया जो है उसको हमें लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक लेस देन का साइन लगा है, मतलब कि u जो है वो लेस देन v है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कौन सा एरिया हमें लेना है इस पूरे ग्राफ में। अब देखिए यहाँ पे u को लेस बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस लाइन का अपर वाला पोर्शन है, बिकॉज ये कह रहा है ये जो लाइन आपकी है ये है आपकी u इज लेस देन इक्वल टू v, या फिर आप कह सकते हैं u इज इक्वल टू v। तो ये u यहाँ पे लेस है, इसका मतलब u जो है वो आपका, देखिए ये तो आपकी क्या है, ये है आपकी v एक्सिस है। तो v एक्सिस की बात हो रही है, तो ये जो एरिया होता है ये हमेशा क्या होता है, u से लेस होता है। दैट मीन्स ये जो छोटा सा एरिया आपको ये दिख रहा है ये आपका क्या होगा, v से लेस होगा। और अगर मैं इसके नीचे के एरिया की बात करूंगी, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा u इज ग्रेटर देन, बिकॉज ये u एक्सिस के पास है तो ये u इज ग्रेटर देन हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें u इज लेस देन का एरिया लेना है, दैट मीन्स हमको ये वाला एरिया, ये हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, इस एरिए से हम लोग रेंज को फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे, यहां पे आप लोग देख रहे हैं। अब अगर देखिए ये u एक्सिस है, अगर हम यहाँ पे एक अपना लाइन ड्रॉ कर ले, मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अगर हम लोग u की रेंज की बात करें तो यहां से देखिए जीरो से u की वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहां पे आके एंड हो रही है, इस जगह पे आके एंड हो रही है। दैट मीन्स ये यहां से यहां ही पे यहीं पे चल रही है u की वैल्यू। दैट मीन्स अगर हम लोग इस एरिया को देखें तो u की रेंज हमारी जा रही है जीरो से वन, आप लोग यहां से देख सकते हैं, यहां पे आके लाइन खत्म हो गई, बिकॉज यहां पे इतना ही इंटरेस्टेड एरिया है हमारा। एंड अगर हम वी की बात करें तो वी एक्सिस है हमारी ये वाली एक्सिस, बट वी एक्सिस आपकी स्टार्ट कहां से हो रही है, देखिए ये हमें वी एक्सिस के लिए जीरो से ऊपर तक जाना है, बट ये पोर्शन तो है नहीं हमारा, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, इस लाइन से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। और इस लाइन में हमारी वी की वैल्यू क्या है, यहां पे यू है, वी की वैल्यू क्या है, यू है। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं v की जो लोअर लिमिट है वो u है, और v की जो वैल्यू अपर लिमिट है वो कहां तक जा रही है, वो बस इस पॉइंट पे यहां पे जाके खत्म हो जा रही है, और ये वैल्यू यहां पे v की क्या है, 1 है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं v की अपर रेंज जो है वो 1 है। तो यहां से देखिए u और v की हमारी वैल्यूज आ गई। अगर देखिए आपको ये अभी इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं यही काम करूंगी, आप लोग वो वीडियो देखिएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसे करके अगर आप लोग चारों वीडियो एक दो बार अच्छे से रिपीटेडली देख लोगे तो इजिली आपको ये ग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन क्वेश्चन पे वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब मैंने u और v की रेंज निकाल ली। अब देखिए हमें चाहिए क्या था, मार्जिनल ऑफ u चाहिए था। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग मार्जिनल ऑफ u फाइंड करेंगे। तो देखिए मार्जिनल ऑफ u फाइंड करने के लिए हम लोग रेंज अप्लाई करेंगे v की। तो v की जो रेंज है वो क्या है, u से 1 तक है, देन g ऑफ u v, देन dv। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग मार्जिनल फाइंड करते हैं तो हमेशा डिपेंडेंट रेंज हमारी होनी चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो v की जो रेंज है वो u पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, u से 1, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन v, देन dv। तो जब हम लोग देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log v। log v आने के बाद जो इसकी लिमिट्स हैं u से 1 हो जाएगी, अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये हो जाएगा log 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा हमारा log u। तो अब यहां से हम लोग इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका देखिए f ऑफ u, इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वो हमारा आ जाएगा log u, बिकॉज log 1 की वैल्यू जो है वो होती है 0, एंड u जो है वो आपका लाइज कर रहा है 0 एंड 1 के बीच में, 0 एंड अदरवाइज हम लोग हमेशा यहां पे ले लेते हैं कि अगर u रेंज है इसकी, मतलब कि 0 एंड 1 के बीच में जो भी एफ यू की वैल्यू है वो माइनस लॉग यू आ रही है। बट अगर यू और भी अदर कोई वैल्यू लेता है, मान लीजिए यू ने वैल्यू 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ यू की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का। यहां से देखिए एफ यू का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एफ यू का डिस्ट्रीब्यूशन आने का मतलब है हमें एक्स वन एंड एक्स टू के मल्टीपल का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, बिकॉज हमने यू की वैल्यू एक्स वन एंड एक्स टू मान रखी थी। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आप लोगों को चीजें नहीं पता समझ में आई हो वो भी आप लोग बता दीजिएगा, ताकि आगे मैं जाके और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।